हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज कई दिनों बाद हम लोग फिर से दोबारा लाइव आए हैं, और कुछ प्रॉब्लम के वजह से लाइव नहीं आ पा रहे थे, जैसे फीवर और कोल्ड के वजह से। देखिए, आवाज़ भी चेंज हो गई, इसके वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही थी बीच में, लेकिन अब से आपकी क्लासेस डेली स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि RRB ELP मैथ स्पेशल बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, NTPC के करने वाले हैं, या कोई भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन और यूथ पब्लिकेशन के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, दो तीन क्लास हम लोगों ने किया है, और उसके बाद अब आगे उसको हम लोग बढ़ाएंगे कि क्या क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, किस तरीके से पूछे आते हैं, और उसको सबसे ईजी अप्रोच क्या हो सकता है बनाने का, वो अप्रोच हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो रेडी हो जाएं सभी लोग आज की क्लास के लिए। बाकी ये बैच जिनको चाहिए, ये मिलेगा आपको फ्यूचर कुल कॉलेज ऐप पे, वहाँ से आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं, और एक कूपन कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। कूपन कोड आपका है यहाँ पे फ्यूचर 50, जिससे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। आप वहाँ पे मैथ स्पेशल बैच हो या फिर ALP का मैथ स्पेशल बैच हो, वो सभी मिल सकता है। लेकिन क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने विजिबल होगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार देखेंगे कि R sin थीटा की वैल्यू दिया है 7/2 एंड R cos थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 7√3/2। आपको फाइंड क्या करना है, R की वैल्यू निकालनी। साइन कॉस जब एक साथ आ जाए, तो यहाँ सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए आइडेंटिटी के बारे में, क्योंकि sin²θ प्लस cos²θ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये चीज़ अगर आपके माइंड में है तो आप यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लूँ, तो देखिए बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। दोनों में देखिए R कॉमन है, तो R² कॉमन हो जाएगा। ये अंदर में क्या आ जाएगा, sin²θ प्लस cos²θ, ये इधर वाली वैल्यू आ गई। और इधर बचा हमारे पास क्या, इधर हमारे पास बता 7/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 49/2 = 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 49/4 × 3 प्लस हमारे पास क्या आएगा, 49/4 × 3। 3 क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो √3 का, तो 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इस पूरे की, तो R² × 1 बराबर, ये 49/4 दोनों में कॉमन है, इंटू में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3, यानी ये 4 हो जाएगा। इसलिए दोनों कट जाएंगे और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो 7 आपका D वाला आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। अगर साइन कॉस अगर एक साथ दिखे, तो आपके माइंड में ये फार्मूला जरूर दिखना चाहिए, sin²θ प्लस cos²θ की वैल्यू 1 होती है, एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन है, NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, cos²(cos⁴) - cos sin⁴ की वैल्यू 2/3। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो CGL में बहुत बार पूछा गया है, और सेम डेटा के साथ ही पूछा गया है। एक्चुअल में ये जो होता है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए वही आइडेंटिटी का कहीं ना कहीं यूज है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे cos²θ - sin²θ, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग sin²θ + cos²θ। अच्छा ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये जो होता है ना इसी के बराबर होता है। तो यानी दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम ही आंसर आता है। अगर जिनको डायरेक्ट फार्मूला पता है वो तो डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन आगे से आप भी ध्यान रखेंगे, ये मैं जहाँ लिख रहा हूँ कि cos²θ - sin²θ बराबर 1 − 2 sin²θ, ये बराबर होता है, इसी के बराबर 2 cos²θ - 1, इसी के बराबर 1 − tan²θ / 1 + tan²θ। ये सभी जो चारों हमने लिखे ना, ये सभी किसके फार्मूले हैं, cos²a के फार्मूले। cos²a बराबर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है। इन चारों में से कोई भी एक की वैल्यू देके दूसरे की वैल्यू पूछ ले। हो सकता है कहीं आपको लिखे कि इसके बराबर 5/4, इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू कुछ दिया हो, इसका पूछ ले, इसका पूछ ले, या इसका पूछ ले। तो अगर ये वाली वैल्यू दिया है 2/3, तो इसकी वैल्यू भी 2/3 ही होगी। बस इतना ही है। अब चाहे तो इसको सॉल्व करके भी लगाना चाहें, तो इसके जगह पे आप इसको बदल सकते हैं, इस कॉस को साइन में, तो ये 1 − sin²θ इसके साथ मिलेगा, तो इसी के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से लिख लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो इन चारों को ध्यान रखेंगे, इन चारों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में आपको ये बताया गया था, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में,
कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि साइन बराबर कॉस तभी हो सकता है जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, मतलब साइन ए बराबर कॉस बी तभी पॉसिबल है जब ए और बी कितना हो 90 डिग्री हो हमारे पास। तो यहां पे भी साइन बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ जो एंगल दिया है ना वो कुछ अलग है। एंगल क्या दिया हुआ है हमारे पास, एंगल देखेंगे तो देखिए ये वाला कुछ एंगल है और ये कुछ एंगल, तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। कौन कौन सा, एक 3a माइनस 20 डिग्री बराबर एक 20 डिग्री माइनस 3b, बी और ए को एक तरफ कर लें तो 3a प्लस 3b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 20 इधर चला जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है 20 इधर चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। और हमारे पास तीन अगर कॉमन ले लें यहां से तो हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 40 आ जाएगी। अच्छा वैल्यू अब a माइनस बी पूछा हुआ है, a प्लस बी की वैल्यू आई है, a माइनस बी तो यहां से कहां से निकलेगा नहीं, और हमको लग रहा है क्वेश्चन में कुछ छूट गया है क्या, आधा अधूरा, या क्वेश्चन 3a माइनस 20, 20 डिग्री माइनस 3a, ये 40 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस में तो कहीं क्रिएटिव नहीं हो रहा, तो यही वैल्यू हमारे पास कहीं ना कहीं रुक जा रही है। हो सकता है यहाँ पे a प्लस बी का मान पूछा या कुछ और इसके साथ डेटा दे दिया हो, इसके साथ कोई और वैल्यू रही हो जो पूछा गया हो, एक बार मुझे देखना पड़ेगा इसके मतलब जो बुक में है उसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। वैसे लगाने का तरीका हमारे पास यही होगा, यही मतलब कि इन दोनों को जोड़ के हमको 90 डिग्री कर लेना है। हाँ मे भी ये हो सकता था कि इसके जगह पे कुछ और वैल्यू प्लस में दिया होता अगर, तो ये इधर जाता तो माइनस में बन जाता और ये दोनों इधर आके जुड़ जाते तो ये 40 बटे में 3, लेकिन तो भी आंसर मैच नहीं करता यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तो ये नहीं दिख रहा है मुझे, तो मिसप्रिंट होगा टाइपिंग में जिसके वजह से आंसर आपको नहीं मैच कर रहा। लेकिन हाँ मतलब लगाने का तरीका यही है, यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दोनों का एक साथ कंबाइंड वैल्यू आएगा, अलग अलग आप नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। चलिए मैं बाकी मैं क्वेश्चन देख लूंगा कि क्या सही क्वेश्चन है अभी इस क्लास में, ठीक है कुछ दूसरा क्वेश्चन लगाते हुए। ये भी वही क्वेश्चन है, साइन बराबर कॉस तभी हो सकता है जब दोनों कोणों की वैल्यू का सम जो हो 90 हो, या सेक बराबर कोसेक तभी हो सकता है जब दोनों कोणों का सम कितना हो 90 हो, टैन बराबर कॉट तभी हो सकता है जब दोनों कोणों का सम 90 हो। अगर ये दोनों माइनस साइन के साथ आ जाए, जैसे कोसेक और सेक का कॉम्बिनेशन है माइनस साइन के साथ, देखिए ये 15 और 75 मिलकर 90 है, ये दोनों कट गए, टैन और कॉट दोनों ये मिलकर कट गए, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये कैसे आया एक बार फिर से समझते हैं, ऐसे है कुछ भी नहीं है, सीडीएस में पूछा गया है, सीजीएल में भी बहुत पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता, अगर ए प्लस बी की वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री है तो साइन ए के साथ, साइन ए माइनस कॉस बी 0 होता है, ए भी 90 होगा, सेक ए माइनस कोसेक बी भी क्या होगा 0 होगा, टेन ए माइनस कॉट बी भी क्या होगा 0 होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे कोसेक और सेक का डिफरेंस 0 होगा, कब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा, देखिए थीटा से थीटा तो ऐसे ही कट जाएंगे, 75 और 1500 90 35 और 55 मिलके भी क्या होगा 90 होगा, थीटा से थीटा कट जाएंगे, ये भी 90 है, तो ये दोनों कट गए क्योंकि दोनों के बीच में अगर माइनस का सिंबल है तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0। ये उल्टा भी हो सकता है, कॉस इधर हो सकता है साइन इधर हो सकता है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ इसलिए कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल बेस पे। दूसरा हमारे पास क्या है, साइन 15 का मान निकालना है, ठीक है साइन 15 का मान, तो साइन 15 का मान निकालने का तरीका, या तो देखिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए किसकी वैल्यू क्या होती है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इस फार्मूले के हेल्प से, जो फार्मूला लास्ट क्लास में दिया गया था, साइन 45 माइनस में 30, और इस पर फार्मूला आप लगा लेंगे ऐसे वाला, वैसे तो याद होना चाहिए साइन 45 कॉस 30 माइनस में कॉस 45 साइन 30, तो साइन 45 वन बाई रूट टू, ये होता है हमारे पास रूट 3/2, तो रूट 3/2 यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 4 माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2 और ये 1/2, ठीक है। और तो इनके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम दोनों क्या कर सकते हैं, जोड़ के घटा के निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। अच्छा ये 1/√2 था ना, इसको गलत लिख दिया गया हमने, 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा रूट 3 माइनस में 1 और नीचे में 2√2। अब डायरेक्ट भी अगर आपको पता रहेगा तो भी आप टाइम बचा सकते हैं। अच्छा जो साइन 15 का मान होगा ना वही कॉस 75 का होगा, क्यों, देखिए हमने क्या बताया था ये बराबर होते हैं, कॉस ए बराबर साइन बी होता है कब, जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा है कॉस 75
इधर साइन 15 के बराबर होगा, यानी कि जो साइन 15 का मान होगा वही कॉस 75 का होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री। अगर हमको साइन 15 का मान ही पता चल गया तो यही मान हमारा साइन 15 का भी होगा और यही मान कॉस 75 का भी होगा। आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं, 45 + 30 कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, उसके हिसाब से भी आंसर निकल सकता है, ये दोनों वैल्यू सेम ही आएंगे। नेक्स्ट, एक एल्जेब्रिक फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिया जाता है। अच्छा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और बाकी जो लोग बैच के लिए पूछ रहे हैं मैं बता दूं कि बैच जो होगा वो आपको फ्यूचरकुल कॉलेज ऐप में मिलेगा। फ्यूचरकुल कॉलेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको बैचेस दिख जाएंगे, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करिए और सारे बैचेस आपको दिखाई देंगे। बताइए घोष जी कैसे हैं आप लोग? अमित, बिल्कुल बिल्कुल मैं अच्छा हूँ पहले से, अब देखिए क्लासेस आपको मिलेंगी रेगुलर, ठीक है। चलिए देखा जाए, इसको लगाते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है ये वाला, अगर अलजेब्रा में आपने पढ़ा है, नहीं तो आप देख लीजिए इसको। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू हमेशा 2 ही आती है। क्यों? क्योंकि x का मान यहाँ पे 1 होता है वैल्यू पुटिंग के हिसाब से। तो सेम चीज यहाँ पे भी वही है कि अगर साइन और कोसेक देखा जाए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1/sin θ बराबर 2 दिया है, तो साइन के पावर में एन मतलब कुछ भी रहे, साइन के पावर में कुछ भी दिया रहे, इसकी वैल्यू 2 ही मिलने वाली है, यानी यहाँ पे जो आंसर मिलेगा हमको वो 2 ही मिलेगा, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं सोचना आपको, ठीक है। हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इन राइट एंगल ट्रंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कोई ट्रंगल में बोला कि एक एंगल जो यहाँ पे है ये बी है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और टेन ए की वैल्यू दिया कि यहाँ √3 दिया है। टेन ए का मतलब हो गया कि ऐसे समझिएगा, टेन ए की वैल्यू अगर √3/1 है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ये बेस है, मतलब ये वाला √3 है और ये वाला 1 है। अगर ये 1 है, ये √3 है, ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पाइथागोरस, इन दोनों के स्क्वायर का सम। और ये ए है, ये बी है, तो इसको सी मान लीजिए। क्या पूछा गया आपसे कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। ये साइन ए का मतलब हम ए के हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर वाई में, परपेंडिकुलर वाई में ये कितना हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस, यानी √3/2। अब कॉस सी देखेंगे अगर यहां से, या तो फिर देखें इनकी वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग कि जब हमारे पास √3 होता है ना, तो ये वाला 60 डिग्री होता है और 1 के सामने वाला 30 डिग्री होता है, तो एंगल के हिसाब से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे तो एंगल रख दें यहाँ पे कि ये 60 है, ये हमारे पास 30 है, ये वाला 60, ये वाला 30, इसके हिसाब से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। नहीं अगर रख सकते तो कॉस सी के हिसाब से देखिए बेस बटे में क्या होगा, ये भी √3/2 होगा। कॉस ए का देखेंगे तो देखिए यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, और साइन सी का देखेंगे तो ये भी हमारे पास 1/2। तो यहां हमने देखा क्या आ गया √3, अच्छा यहाँ पे ये गुणा करने पे 3 हो जाएगा, 3/4 और प्लस 1/4, तो ये 4/4 आ गया, और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू रखते तो भी हमारे पास वही आंसर मिलने वाला रहता, अगर 30 और 60 भी अगर हम देख सकते हैं तो वहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा देर पहले मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, आंसर जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। कॉस 15 और साइन 15 का मान हमने बोला दोनों बराबर ही होते हैं, जो कॉस 15 का मान होता है वही साइन 15 का भी मान होता है, तो किसी एक का मान निकाल लीजिए। साइन 15 का मान अभी आपने निकाला था कि √3 - 1/2 इसी में 2 से गुणा कर लीजिए, क्यों? क्योंकि जो 15 का मान होगा वही हमारा इसका भी है, एक 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा √3 - 1/2। कौन सा वाला आंसर होगा? पहला वाला, इजी है क्वेश्चन, इजी है, कर सकते हैं बहुत आसानी से, विजिबल है ना। बिल्कुल, सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल देखिए वैसे ही बहुत बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत खराब भी नहीं बोल सकते, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम पूछेगा, जो कि अगर देखा जाए तो सीजीएल का, अगर आपने पहले पढ़ाई किया तो सीजीएल वाले ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर। तो कुछ सीजीएल के भी पेपर आप लोगों को कराए जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको नए क्वेश्चन का आइडिया लगे। जो क्वेश्चन जैसे 2023-24 में जो पेपर हुए हैं सीजीएल वाले, अगर उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नए क्वेश्चन जो भी इस बार होने वाले हैं वहां से मैच करेंगे बहुत सारे। आइए ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में क्या दिया? राइट एंगल एट बी, बी यहाँ पे दिया है तो कहीं भी मान लीजिए ए और सी को,
एबी की वैल्यू 12 दिया है, बीसी की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया है, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साइन ए कॉस ए। साइन ए का मतलब यहां से देखेंगे तो 5/13, ये 5/13 आ जाएगा, और गुणे में कॉस ए, यहां से देखेंगे तो 12/13, 12/13 मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 60/169, 60/169, यानी यहां पे भी दिख रहा है और यहां पे भी दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सी के हिसाब से देखेंगे, देखिए नीचे में तो कर ही आएगा, तो 13 के मल्टीपल में आएंगे हमेशा, तो भी 25 बनेगा कि नहीं, 25 तो कोई चांस नहीं, लेकिन हाँ तो भी देखते हैं। साइन सी का वैल्यू यहां से देखिए 12/13, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 12/13, और कॉस सी की वैल्यू 5/13, तो ये भी 60/169 आ गया, तो ये भी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर वाइज हाइपोटेनस, या लंब बटे में कर्ण क्या होता है, आधार बटे में कर्ण क्या होता है, उसके हिसाब से सोच सकते हैं बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉट एक्स की वैल्यू दिया है। अच्छा, कॉट एक्स की वैल्यू क्यों दिया है, या तो इसको रेशियो के हिसाब से लगा लीजिए कि हम कॉट एक्स को ट्रंगल बना लें, ये 3/1 हो जाएगा, उसके हिसाब से हम कर्ण निकाल लें और सबकी साइन कॉस की वैल्यू रख लें, या तो एक चीज ये सोचे कि कॉट अगर दिया है इसका मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं कॉट होगा, तभी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन, अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये 1+sin x हो जाएगा, अगर बेसिक तरीके से सोचें तो, और ये 1-sin x, ये एक फार्मूला बन जाएगा एक, और नीचे वाले में यहाँ से 2, यहाँ से 3, अगर यहाँ से 2 और 3 दोनों कॉमन ले लिया जाए तो 1+cos x और 1-cos x, ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए ऊपर में 3 से 3 कट गया, 1/2, और देखिए ये कितना बन जाएगा 1-sin² x, और नीचे बन जाएगा 1-cos² x। अब ये देखिए क्या बन के आया हमारे पास, 1/2, 1-sin क्या होता है, cos² θ, x मान लीजिए थीटा छोड़ देते हैं, और ये sin² x, और इन दोनों को अगर भाग देंगे, साइन कॉस बटे में साइन क्या होता है हमारे पास, cot² x हो जाएगा। सीधा अब यहाँ cot की वैल्यू रख लीजिए, cot की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, तो ये 9/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9/2, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे। डायरेक्ट वैल्यू कैसे रखेंगे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे ट्रंगल बना के, ये देखिए ये 3 है, ये 1 है, तो ये हमारे पास रूट में कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू तो भी इतना ही मिलता, कटने के बाद इतना ही मिलता कॉमन तरीके से, डायरेक्ट भी रखेंगे तो भी आएगा। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन, a+b का मान निकालना है, साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है, कॉस बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको क्या, आप किसी को पता है कि 1/2 साइन में किस पे होता है, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री का होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, अरे 1/2 कॉस में कब होता है, ये 60 पे होता है। अगर वैल्यू याद है तो कुछ करना नहीं, एक 30 है एक 60 है, दोनों को जोड़ लेंगे 90 हो जाएगा, हो गया आंसर, इसमें तो और भी कुछ नहीं करना था, मतलब अगर वैल्यू नहीं पता है तब तो फिर नहीं कर पाएंगे, अगर पता है कि 1/2 एक में 30 होता है एक में 60 होता है, तो हमने वैल्यू सीधा रखा और आंसर हमने बता दिया कितना होने वाला है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साइन और कॉस, देखिए हमने एक चीज और बताया था कि साइन कॉस के बराबर हो सकता है, जैसे कॉस अगर 55 है तो इसको हम साइन क्या लिख सकते हैं, 35 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों को चाहे तो चेंज कर सकते हैं हम, 1 माइनस, अगर इसको हम साइन ही लिख दें साइन 35, तो ये 1-sin² 35 हो जाएगा, और 1-sin क्या होता है, cos² 35 हो जाएगा, अगर cos² 35 दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसको cos को साइन में बदल लेंगे, इसको आप चाहें तो cos में बदल के साइन में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन साइन में आंसर दिया नहीं था 55 में, क्योंकि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, sin² 55 भी लिख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये भी सही है ये भी सही, लेकिन ऑप्शन में एक ही देगा आंसर, दोनों में से कोई एक देगा, कंप्लीमेंट्री बेस पे क्वेश्चन है। आइए और आगे देखिए, फिर से देखिए वही पुराना क्वेश्चन जो अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन लगा रहे थे जिसमें आंसर मैच नहीं कर रहा था हम लोगों का, तो उसी बेस पे क्वेश्चन है कि टैन बराबर कॉट तभी हो सकता है जब दोनों कोणों का योग 90 हो, यानी जो इनके साथ कोण दिया है इनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तभी ये क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। 2θ + θ + 6° = 90, इनको जोड़ने पे 90 आना चाहिए। 3θ की जो वैल्यू होगी अगर इससे सीधा चला जाएगा तो 84 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 3 × 6 = 28 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 डिग्री।
हमने बस इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ा है और इसमें कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के भी आंसर निकाला जा सकता था। नेक्स्ट देखिए, अब इसका आंसर आप खुद बताइए। ए प्लस बी की वैल्यू 90 है, साइन ए का मान दिया है और टेन बी का मान निकालना है। देखिए हम इसको ऐसे भी बना ले, अगर साइन ए के हिसाब से कि चलिए अगर ये ए है और ये वाला बी है तो साइन ए की वैल्यू 3 होगा, ये 5 होगा, तो कितना होगा 4 होगा। तो अगर टेन की वैल्यू यहां से निकालेंगे, टेन बी, बी मतलब इस वाले एंगल के हिसाब से, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये 4/3 होगा। अगर यहां से पूछता तो 3/4 होता, लेकिन यहां से पूछा है तो ये 4/3 होगा। तो कौन सा वाला होगा? डी वाला आंसर होगा। कौन सा वाला होगा? डी वाला आंसर होगा, 4/3। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही क्वेश्चन मिलेगा अभी जो थोड़ा देर पहले। इसका आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कितना आएगा। साइन 3 थीटा बराबर में कॉस थीटा -6 डिग्री दिया हुआ है और थीटा का मान निकालना है। साइन बराबर कॉस तभी पॉसिबल है जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। साइन बराबर कॉस या टेन बराबर कॉट या सेक बराबर कोसेक या इनका डिफरेंस दिया रहेगा तो क्या होगा, ये 0 आ जाते हैं आंसर में अगर 90 दिया है तो। जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि साइन 55 बराबर हमने बोला कि कॉस 35 होगा, तो अगर इसको डिफरेंस बना देंगे ऐसे साइन 55 माइनस कॉस 35 तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये भी पूछा जाता, ये भी, ये वाला भी पूछा गया था, अगर इनका इनका डिफरेंस दिया है तो 0 हम लिखेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे ये डायरेक्ट दे दिया कि ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या है? बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो कोणों का जो योग होगा ना, इसका और क्या है थीटा माइनस 6 डिग्री का, ये 90 होना चाहिए। तो 3 और 1 मिलके 4 थीटा होगा और ये 6 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 96 हो जाएगा। तो 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 24 डिग्री क्या होगा इस थीटा की वैल्यू होगी, 24 डिग्री क्या होगा थीटा की वैल्यू होगी। साथ में देखिए ये सारी चीजें, ये क्लासेस जो हैं ये आपको एप्लीकेशन में मिलती हैं फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप पे, आरआरबी एएलपी के बैच के अंदर में। साथ में हमने एक मैथ स्पेशल फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और वो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सभी लोग मैथ स्पेशल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिनको सभी एग्जाम के लिए कवर करना है, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या फिर रेलवे का हो, तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, बेसिक से एकदम हाई लेवल तक का उसमें चीज़ें कवर की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट आप लोग ट्राई करिए। इसका आंसर तो मेरे हिसाब से आपको मिल जाना चाहिए, अगर अभी नहीं मिल रहा देख के तो फिर मैं बताता हूँ कैसे आएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे कितना आंसर आने वाला। हाँ घोष बताइएगा कितना होगा आंसर, साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, बताएंगे सभी लोग। कितना होगा? एक चीज और समझना पड़ेगा आपको कि अगर हमारे पास ऐसे तो बताया गया है, अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो tan a और tan b की वैल्यू 1 होती है, cot a cot b की वैल्यू 1 होती है। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि गुणनफल के फॉर्म में भी ये 1 होते हैं अगर इनके कोणों का योग 90 होगा तो। एग्जाम्पल कि 5 है और 85 है, ये दोनों गुणे के फॉर्म में, 25 है और 65 है, ये दोनों गुणे के फॉर्म में, इसकी वैल्यू ही 1 होती है। तो 1 × 1 × 1 कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत ही आसान है अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे तो, कॉट में भी रहता तो भी यही सेम चीज अप्लाई करते हैं। फिर से देखिए वही क्वेश्चन, हमने बोला था साइन ए माइनस में कॉस बी अगर दिया है आपको, कहीं सीडीएस में भी पूछा गया था, सीजीएल में भी कई बार आया है और रेलवे में तो बहुत ही बार दे दिया क्वेश्चन, कि साइन और माइनस कॉस की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है, इनका इनका डिफरेंस 0 होगा। अगर इसके साथ साइन कॉस के जगह पे यहाँ पे टेन और कॉट रहता तो भी 0 आता, सेक और कोसेक रहता तो भी 0 आता। कंडीशन इतना है कि इन दोनों कोणों का सम 90 होना चाहिए। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 48 + θ चेक करना चाहें तो, और 42
माइनस थीटा। देखिए तो इन दोनों को अगर हम जोड़ जोड़ रहे हैं तो देखिए ये वाला इस थीटा से थीटा कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। तो अगर इन दोनों कोणों का योग 90 है तो ये दोनों का घटाने पे 0 आएगा। इनके साथ टैन और कॉट दे दे या सेक और कोसेक दे दे या साइन और कॉस दे दे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये सीधा आंसर कितना दे देगा 0 डिग्री दे देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कुछ? इसका तो आंसर निकाल ही सकते हैं आप लोग। इन्फिनाइट आएगा कि वन आएगा जल्दी बताइए, इन्फिनाइट या वन आएगा? कमेंट करके बताते रहेंगे सभी लोग आंसर, मैं देख रहा हूँ। अमित बिल्कुल सही आपका आंसर है कि व्हाट इज द फॉलोइंग ऑपरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, 2 28 है 3 वो है 43 47 है। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा सा होगा लेकिन है बहुत छोटा सा। बताएंगे क्या होगा, बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ लोगों जो लोग बता रहे हैं वो सही आंसर है। ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और बीच में जो आएंगे सब वन होंगे और टेन 45 की वैल्यू ऑलरेडी वन होगी, यानी वन इंटू वन इंटू वन जहाँ तक भी जाएगा ये वन और आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ईजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट, सी एंड डी रूल का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी एंड डी रूल क्या होता है एक बार फिर समझेगा। जैसे अगर कहीं लिखा है ए बाई बी बराबर में सी बाई डी, तो सी एंड डी रूल बोलता है कि एक बार इसको जोड़ लीजिए नीचे वाले को हर को, एक बार उसी के साथ उसको घटा लीजिए और जब भी करिए दोनों तरफ करिए, जब भी करिए दोनों तरफ करिए। तो हमने देखा कि इधर सी एंड डी रूल लगा हुआ है पहले से कि कॉस जोड़ा गया है कॉस घटाया गया, इसको हमने हटा दिया साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा लिख दिया। पहले ये ऐसा रहा होगा तभी यह लिखा हुआ, इसमें उल्टा है। देखिए इधर ऊपर में माइनस दे दिया तो एक बार इसको जोड़ेंगे इसमें, जैसे अगर मान लीजिए √3 -1 में एक बार इसको जोड़ देंगे √3 + 1 और एक बार इसको इसी √3 - 1 में एक बार घटा देंगे √3 - 1। तो देखिए ये वाला हो जाएगा tan थीटा साइन बटे में कॉस, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे ये 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा ये √3 से √3 कट जाएगा ये -2 हो जाएगा, ये घट गया और tan थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस में √3 आ गया। अगर ये √3 रहता, सिर्फ √3 रहता तो क्या रहता 60 डिग्री, लेकिन अगर ये -√3 है इसका मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, तो √3 60 आ गया, 360 में 60 घटा लीजिए, 360 - 60 यानी कौन से पहुंच जाएगा 300 डिग्री। भाई 60 को आप -60 को कभी भी अगर आपको पॉजिटिव बदलना 360 जोड़ लीजिए यानी 300 डिग्री हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें कभी भी देखिए इसकी वैल्यू आ नहीं सकती, 45 में आएगा माइनस हो या प्लस हो तो 135 हो जाता है, इसके हिसाब से भी नहीं बनता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता, सिर्फ 300 डिग्री बच जाएगा, तो 300 डिग्री आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर अगर टेन हम मान लीजिए 135 लिखते हैं सपोज करिए, तो इसको हम टेन क्या लिख सकते हैं 90 + 45 और 90 + 45 अगर लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास कैसे बदल जाएगा, कॉट बदल जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस में आ जाएगा कॉट 45, यानी कि ये -1 हो जाएगा। तो √3 तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, 45 हो या फिर आपका कुछ भी कंडीशन बने। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो 2013 में पहली बार ये क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, उसके बाद सीजीएल में एक बार ये 2017 में भी रिपीट हुआ था दोबारा, उसके बाद ये फिर से NTPC में देखा गया है 2021 में। इसको लगाने की कोशिश करेंगे अगर तो बड़ा इसको साइन कॉस में बदल के इसको सॉल्व करना पड़ता है। वैसे इसका आंसर भी आपके माइंड में, मतलब हमने इतने बार इस क्वेश्चन को देखा कि यही वाला आता है, सीजीएल में बहुत पुराना क्वेश्चन है ये मिलता है, लेकिन इसको कैसे लगाया जाए, ये क्वेश्चन को लगाने का जो पैटर्न है वो एक एक पेज का हो जाता है इसको सॉल्व करने में। तो एक दो तरीका इसका मैं बताता हूँ, एक तरीका आएगा वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू पुटिंग का मतलब कुछ वैल्यू इसमें रख दीजिए जो भी आपको लगे कि 30 45 60 120 300 200 जो भी वैल्यू रखना हो वही वैल्यू ऑप्शन में भी रख के चेक करेंगे कि किसमें आंसर सेट हो रहा है, किस वाले से आंसर मैच कर रहा है। अगर दोनों जिसमें बराबर होंगे वो वैल्यू हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले वैल्यू पुटिंग में हमारे माइंड में क्या आता है 45 डिग्री रख लेते हैं,
सबसे आसान। लेकिन जब 45 रखेंगे ना, कॉट 45 और ये टैन 45, ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट के जीरो हो जाएंगे, और जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास नीचे में जीरो आ गया मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट बन जाएगा, 1/0 नहीं लाना चाहिए हमको वैल्यू पुटिंग में। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करें, एक ही वैल्यू 45 ना रख, अगर हमारा गलत हो जा रहा है तो हम क्या करें, एक ही वैल्यू 135 रख दें। क्योंकि देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था कि टेन 45 या कॉट 45 की वैल्यू क्या आती है, ये -1 हो जाता है। देखिए तो ऊपर में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ -1 इसको रखते ही जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 और एक मिलकर कितना हो जाएगा, देखिए ये भी -1 और ये भी -1, अब ये भी -1 ये भी -1, तो नीचे में कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी -1/2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस में कितना आ जाएगा 2/2 और ये -1 आ गया, कितना आ गया -1 आ गया। तो अब ऑप्शन में जिसमें -1 मिल जाएगा वो वाली वैल्यू हम कर लेते हैं, जैसे हमको आंसर पता है इसलिए मैं इसी में वैल्यू पुट करता हूँ, सभी में नहीं रखता, sec 135 और cosec 135। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, sec 135 की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 90+45 ये भी होगा, तो sec किस में बदलेगा, cosec में बदलेगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो देखिए सेकेंड में हमारे पास साइन और कोसेक के अलावा कोई नहीं बनता है पॉजिटिव, ए एस टी सी, मतलब साइन और कोसेक जो होगा वही हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमारे पास क्या बनते हैं सेकेंड में, तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेक निगेटिव रहेगा तो सेक 45 माइनस कोसेक 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है √2 होती है, कितनी होती है √2, लेकिन माइनस में आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -√2। चलिए इसको कोसेक 35 अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी पॉजिटिव, तो ये कोसेक 35 भी हमारे पास √2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 और ये देखिए दोनों का गुणा होगा तो ये -2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, जो क्वेश्चन और आंसर मैच कर जाएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका होगा, अगर इस वैल्यू को आप नहीं इस तरीके से रखना चाहते हैं तो अगर वैल्यू मान लीजिए रखने में किसी को दिक्कत है कि 135 की वैल्यू हम कैसे सोच पाएंगे एग्जाम में, इतना हम टाइम नहीं रहता है कि सोचे, तो एक तरीका कोई भी वैल्यू क्वेश्चन और आंसर एक जैसा रहे ना तो हर हमेशा एक ट्रायंगल का यूज करिए, रेशियो का 4:3:5 का, 3:4:5 का ये वैल्यू रख दीजिए इसमें क्वेश्चन में और ऑप्शन में भी रख दीजिए, जिसमें बराबर आएगा वही वाला सही होगा, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये सबसे यूनिक तरीका है। अगर आपको वैल्यू कोई भी याद नहीं है और लगता है कि हमको टाइम लग जाएगा सोचने में वैल्यू 30 रखें कि 60 रखें, तो 3:4:5 एक छोटा रेशियो है ट्रायंगल का, इसके हिसाब से आपको मान लेना है कि ये वाला एंगल ए है, तो इसके हिसाब से हम देखिए इसमें टैन की वैल्यू 4/3 रख देंगे, कॉट की वैल्यू 3/4 रख देंगे, 1 - में 4/3 हो जाएगा, 1 - में 4/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा वैल्यू लगभग 12 समथिंग आता है, 25 या जो भी आ जाए, वही ऑप्शन में भी रखेंगे जिसमें दोनों सेम होंगे वो आंसर होगा। ये सबसे और इजी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर ट्रिग्नोमेट्री में ही दिया हो तो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इट्स टू कोसाइन, तो वैल्यू ऑफ साइन एंगल, देखिए इसमें तो कुछ करना नहीं है, एक बोला 5 है ये 12 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब साइन की वैल्यू चाहिए तो 5/13 हो जाएगा, अगर हम इसको साइन मान लेते हैं यहां से है तो 5/13 हो जाएगा, यही आंसर होगा, इसमें तो कुछ करना नहीं, एक ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्स बराबर क्या दिया है, ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा, y बराबर दिया है b कोसेक थीटा और प्लस a कॉट थीटा। देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर a के साथ कोसेक है दूसरे में कॉट के साथ होगा, जो b के साथ होगा वो a के साथ होगा, ये दोनों एक दूसरे के चेंज होते हैं कोसेक और कॉट के बीच में, इनके बीच में रिलेशन बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यानी इन दोनों जो भी न्यूमेरिकल का टर्म होगा, ए भी नहीं नंबर भी रहेगा तो भी, इनके स्क्वायर का डिफरेंस बराबर में इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ये रिलेशन आता है कोसेक और कॉट वाले में। एक रिलेशन और बनता है ऐसे, एक्स बराबर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और वाई बराबर ए कॉस थीटा माइनस में बी साइन थीटा। देखिए इसमें भी देखिए एक दूसरे को उल्टा होंगे कि ए इसके साथ है साइन के साथ है, साइन यहाँ आ गया यहाँ कॉस आ गया, तो यहाँ पे ये प्लस में बनता है, यहाँ क्या बनता है प्लस में बनता है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया और इस पे भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा ही गया तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब कैसे आता है, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं या तो इनको जो स्क्वायर है घटा लेते हैं, तो इनसे रिलेशन बन के आते हैं, वैसे भी आपके पास माइंड में होना चाहिए पहले से
इन दोनों के बीच में ये रिलेशन बनता है, इसमें ये रिलेशन बनता है साइन कॉस वाले में, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल में भी, रेलवे के एग्जाम में भी। थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था एक चीज कि आप लोगों को ये फार्मूला के बारे में, कि ये फार्मूला आपके माइंड में होना ही चाहिए। कॉस टू ए का जो फार्मूला था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर से मैं लिख रहा हूं, बराबर में वन माइनस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सभी कॉस टू ए के ही फार्मूले हैं, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला, कहीं पे भी ये दिख जाए तो इन सभी में सबकी वैल्यू क्या होती है, कॉस टू ए होती है। तो इसमें हम सीधा आंसर ये कर सकते हैं अगर ये हम फार्मूला हमको पता है तो। अब सपोज करिए फार्मूला नहीं पता है तो फिर से वही चीज वैल्यू पुटिंग, यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ऑप्शन में भी वही रख के चेक कर लीजिए, जो बराबर होगा वही आंसर हम करेंगे। दो ऑप्शन मैच कर गया तो वैल्यू आपको चेंज करके भी रखना पड़ेगा, और फार्मूला पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी इसकी वैल्यू देके इसका पूछ लेता है, कभी इसका देके इसका पूछ लेगा, हो सकता है इसका देके इसका पूछ ले, तो आपके पास माइंड में रहेगा तो आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर आपका निकल जाएगा, आसान है। हाँ, अगर लगाना भी चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं इसको, देखिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे में इसको देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको इसमें भाग देंगे 1 में तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसमें भाग दे देंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखिए फिर से वापस इसके बराबर आ गई। अब इसको कॉस टू ए लिख सकते हैं या तो और किसी चाहे चेंज कर सकते हैं, तो फार्मूला ही होता है। नहीं आता तो वैल्यू पुटिंग से भी चेक कर सकते हैं, फार्मूला नहीं आता तो हम ए के जगह पे 45 तो नहीं रख सकते क्योंकि 1 1 कट के 0 हो जाएगा, तो कोई और वैल्यू ले सकते हैं 30 60 जो भी, और या नहीं उससे भी नहीं होता तो आप ये रख सकते हैं 4 3 5 या 3 4 5 ट्रिपलेट वाली वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू, अच्छा इसमें बराबर में 4 दे दिया है वैल्यू, अब ए निकालना है तो एक तरीका ये होगा कि ऑप्शन से वैल्यू रख लीजिए, लेकिन इसमें ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन तो भी चेक करने में बहुत ज्यादा समय, 90 तो चेक हो जाएगा बहुत आसानी से। अगर 90 से हम शुरू करें तो कॉस 90 जीरो जीरो 90 खत्म हो गया, 90 नहीं हो पाएगा। 60 डिग्री रख लें तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस में 1/√3/2 प्लस 1/2 नीचे में 1+√3/2। अब अगर ये 4 आ गया तो ठीक है, एक बार चेक करेंगे। ऐसे 30 भी रख सकते हैं कि 30 के जगह पे हमारे पास क्या होगा, √3/2 और अंदर में क्या हो जाएगा, 1/1 -2 प्लस 1/1 +2 तो √3/2। अब यहां भी अगर 4 बनेगा तो बनेगा, जिससे बन जाएगा वो निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं आता तो 45 भी रख सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप रख के। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें कि कैसे सॉल्व होगा, तो बेसिक अप्रोच लगाना होगा क्योंकि इसके बराबर में इक्वेशन में दे दिया वैल्यू, इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, फिर यहाँ कॉस ए और माइनस में कॉस ए और साइन ए, नीचे में हमारे पास 1 - sin² a, ये वाला इसके साथ कट गया, कॉस कॉस कितना हो जाएगा 2 cos a और नीचे में cos² a आ जाएगा। एक कॉस से एक कॉस कट गया, इधर में 4 दिया हुआ था तो कॉस ए की वैल्यू 1/2 आ गई, यानी ए की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सॉल्व भी करना है बेसिक तरीके से इक्वेशन, जैसे फ्रैक्शन जोड़ते हैं हम लोग उस तरीके से फ्रैक्शन को जोड़ के हम लोग इसको लगा सकते हैं कितना वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। तो आज हमने कुल 24 क्वेश्चन कर लिया अभी तक, एक क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल पे बेस क्वेश्चन, कि साइन और कॉस अगर फ्रैक्शन में है और इन दोनों का सम 90 है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, पहला चीज। अगर ये दोनों आइडेंटिटी फॉर्म में और 90 है तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, माइनस में 4 प्लस 1/√3। और देखिए टेन 27 और 63 गुणे के फॉर्म में है, ये 1 हो जाएगा, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ये इससे कट गया इससे कट गया, तो 1 - 4 + 1/2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 3/2 - 2 - 4,
चार दूना आठ, आठ में से तीन चला जाएगा माइनस पांच बटा में दो, तो माइनस में आएगा। थोड़ा सा बॉडमॉस रूल का भी ध्यान देंगे कि किसको पहले जोड़ना है किसको पहले घटाना है, इसको ध्यान देते हुए करना है, कैसा नहीं कि गलत कर दें जल्दी जल्दी में। क्या क्या था? अगर इन दोनों कोणों का योग 90 है तो ये दोनों वन, इन दोनों का 90 है ये वन हो गए, ये दोनों देखिए 90 90 वन हो जाएंगे मतलब बन के, और इसकी वैल्यू हमने सीधा रख लिया क्योंकि ये तो वन नहीं बन रहा, साइन किसी के साथ और दिया नहीं है, इस फ्रैक्शन में हो तो कोई और वैल्यू नहीं दिया साइन के साथ, कोसेक या फिर कोसेक जो भी, तो उसके हिसाब से हम लोग चेक कर सकते थे वन बनेगा कि नहीं बनेगा। और टेन गुणनफल में कितना आता है? वन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री का बेसिक रूल है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए आगे के, और आगे भी 25 क्वेश्चन हम लोग और भी जाएंगे नेक्स्ट क्लास में लेके, इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। बाकी ये पीडीएफ जो होगा ये आपका एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा इस सोल्यूशन के साथ, और जो लोग टेलीग्राम में है मैथ्स बाय डीपी सिंह वहां पे कर सकते हैं। बाकी जिनको ये पूरा हर एक चैप्टर का इस तरीके से सोल्यूशन और वीडियो चाहिए, साथ में पीडीएफ चाहिए सोल्यूशन के साथ, तो वो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आरआरबी एएलपी मैथ स्पेशल बैच। और ये बैच है आपको मिलेगा फ्यूचरकुल कॉलेज ऐप पे, और इस पर अभी फ्यूचर 50 का कूपन कोड भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।